मथुरा में तेज रफ्तार इनोवा बेकाबू होकर नहर में गिरी, डूबने से 5 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत। बरेली से बालाजी जा रहा था परिवार, हादसे के बाद से लापता ड्राइवर की तलाश जारी। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पुंछ के कृष्णा घाटी और मनकोट में अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान। सेक्टर में सेना की चौकी और रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया, मोर्टार और ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल। शनिवार रात 8:30 बजे से भारी गोलीबारी, पाकिस्तान की गोलीबारी का सेना जवाब दे रही है। पाक आर्मी चीफ बाजवा के LOC के दौरे के बाद इसकी आशंका जताई जा रही थी, भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। बलूचिस्तान में 2 नागरिकों के मारे जाने से चीन नाराज, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं की। भोपाल में आज फिर उपवास करेंगे CM शिवराज सिंह चौहान, मंदसौर हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, उपवास तोड़ने की गुजारिश। किसान आंदोलन को राष्ट्रव्यापी करेंगे किसान संगठन, 16 जून को देश भर में हाईवे पर 3 घंटे जाम का अल्टीमेटम। मंदसौर में पिपलिया मंडी को छोड़कर बाकी जगह से कर्फ्यू हटा, मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल। रांची में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में मार्च निकाला, केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया, पुतला भी फूंका। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज GST की 16वीं बैठक, कुछ उत्पादों की प्रस्तावित दरों को बदलने पर विचार हो सकता है। केंद्र सरकार 1 जुलाई से देश भर में GST लागू करना चाहती है, इसलिए GST काउंसिल की आज आखिरी बैठक हो सकती है। सांसद संजय राउत का BJP पर शिवसेना को खत्म करने की कोशिश का आरोप, कहा महाराष्ट्र में अगले महीने राजनीतिक भूकंप आएगा। मोतिहारी में योग गुरु स्वामी रामदेव का बयान, कहा POK के भारत में विलय का वक्त आ गया है। दिल्ली के बिंदापुर में ई रिक्शा ड्राइवर की संदिग्ध मौत, CCTV में दिखे फेंकते हुए लोग, पुलिस को नशे से मौत की आशंका। दिल्ली के केरल हाउस में बिग पार्टी की अटकलों के बाद तनाव, पुलिस ने केरल हाउस की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद किया, भारी पुलिस बल तैनात। सांसद हनी ट्रैप मामले का मास्टरमाइंड अजय पाल गिरफ्तार, अजय पर रेप पीड़ित महिला को CCTV और दूसरा सामान मुहैया कराने के आरोप। मुंबई के RBK स्कूल पर 6 साल की बच्ची को मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप, पिता से फीस विवाद के बाद बच्ची को घर भेजा। RBK स्कूल पर आरोप, बच्ची को कभी लाइब्रेरी में तो कभी रिसेप्शन पर बिठाया गया, स्कूल ने आरोपों से इनकार किया। अगले 48 घंटे में मुंबई और उसके आसपास भारी बारिश का अनुमान, मछुआरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। मुंबई के जोगेश्वरी में मेट्रो रूट के लिए बनाया गया शेड गिर गया, कोई हताहत नहीं। अयोध्या में मुस्लिम कार सेवक मंच के कार्यकर्ताओं ने हवन किया, इफ्तार से पहले राम मंदिर के निर्माण की दुआ मांगी। इटावा में समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह समर्थकों के साथ थाने पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं से उत्पीड़न का। मुजफ्फरनगर में एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार, कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जाते वक्त जीप से कूद गया। अपुर में तहसील प्रशासन की लापरवाही सामने आई, लोन के बकायेदारों को भेजे गए नोटिस तहसील के सामने कूड़े के ढेर पर पड़े मिले। बिहार के CM नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा बिहार के व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता हूं। भवी देवी मर्डर केस की आरोपी इंदिरा बिश्नोई का चौंकाने वाला बयान, जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान भवी देवी के जिंदा होने का दावा किया। राजस्थान के स्कूलों के लिए मिशन 100 की शुरुआत, 100% नतीजों के लिए टीम भावना से काम करने की अपील। गौहत्या के विरोध में श्रीराम सेना ने अजमेर में रैली निकाली, पूरे देश में गौहत्या पर बैन लगाने की मांग। सड़क हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जयपुर, राजमहल पैलेस तक निकाला कैंडल मार्च, नमक के ट्रक के नीचे दबकर 5 लोगों की मौत हुई। असम के गोवालपारा में राभा जनजाति के लोक महोत्सव की धूम, जलते अंगारों पर चले लोग। नैनीताल में सैलानियों को लुभाने के लिए स्थानीय लोगों की पहल, नौकुचिया ताल में जिप रोड और ऑफ रोड ड्राइविंग एडवेंचर टूरिज्म की शुरुआत। गाजियाबाद में पड़ोसी के बच्चे की हत्या कर शव घर में दफनाया, आरोपी गिरफ्तार, अपने बच्चे से झगड़े के बाद वारदात को अंजाम दिया। UP के झांसी में महिला की हत्या, 8 दिन से 2 साल के बच्चे के साथ घर में अकेली थी महिला। झांसी में ही खून के अवैध कारोबार का पर्दाफाश, बंधक बनाकर 6 लोगों का खून निकाला गया, 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में IPS संजीव त्यागी के पिता की हत्या का खुलासा, भाई गिरफ्तार, दूसरे भाइयों के मुकाबले कम ख्याल रखने का आरोप लगा। UP के बागपत में मोबाइल की दुकान में लूट, सेल्समैन की पिटाई करने के बाद उठा ले गए बैग। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दबंगों ने दलितों को पीटा, जूता पहनने और बाइक पर बैठने की सजा देने का।
चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत की साउथ अफ्रीका से टक्कर, जीतने वाली टीम को मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट। लंदन के ओवल मैदान पर खेला जाएगा मुकाबला, भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे से होगा मैच। भारत साउथ अफ्रीका मैच पर भी बारिश का साया, दोनों टीमों के लिए मैच में टॉस निभा सकता है अहम भूमिका। ऑस्ट्रेलिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, इंग्लैंड ने आखिरी लीग मैच में 40 रन से हराया, बांग्लादेश की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची। फ्रेंच ओपन का 10वां खिताब जीतने उतरेंगे नडाल, मेन सिंगल्स फाइनल में आज वावरिंका से होगा मुकाबला। लातविया की येलेना ने जीता फ्रेंच ओपन का वुमेन सिंगल्स खिताब, फाइनल में रोमानिया की सिमोना को हरा। रूस की राजधानी मॉस्को के नजदीक गोलीबारी, 4 लोगों की मौत, हमले में महिला समेत 5 लोग घायल। लंदन में संसद के पास प्रदर्शन करने पहुंचे सैकड़ों लोग, सत्ता के लिए कंजर्वेटिव पार्टी और DUP के बीच गठबंधन का विरोध। अमेरिका के कई शहरों में शरिया कानून के विरोध में प्रदर्शन, मुस्लिम देशों पर वीजा बैन का भी विरोध। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर उठाया सवाल, कहा सीमा पर दीवार बनाने से प्रवासियों की समस्या खत्म नहीं होगी। इराक के इरबिल में ISIS आतंकियों के चंगुल से रिहा होकर परिवार से मिला 6 साल का बच्चा, 3 साल पहले आतंकियों ने अगवा किया था।